अब नहीं बचेगा पुलवामा हमले का गुनहगार, अब और नहीं छिप पाएगा जैस सरगना, अब और नहीं आजाद रहेगा आतंकी मसूद अजहर। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड जैस सरगना मसूद अजहर ग्लोबल टेररिस्ट के टैग से बस 4 कदम के फासले पर है। 13 मार्च को सुरक्षा परिषद की बैठक में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। 13 तक अगर कोई देश आपत्ति नहीं जताता तो मसूद अजहर का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में दर्ज हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो दुनिया की नजर उस पर होगी, पूरी दुनिया उसे पकड़ने के लिए पाकिस्तान पर जोर लगाएगी। मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पहले से ही आतंकी लिस्ट में है, लेकिन मसूद अजहर चीन की मेहरबानी से बचता रहा। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में 3 बार मसूद का बचाव किया, लेकिन पुलवामा हमले के बाद हालात बदल गए। पुलवामा हमले को लेकर सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव लाया गया तो सभी 15 देशों ने इसका समर्थन किया। चीन ने भी इस बार साथ दिया। अब इंतजार 13 मार्च का है। मुंबई हमले के बाद चीन ने हाफिज सईद पर कोई मुरव्वत नहीं की। उम्मीद है कि पुलवामा हमले के बाद चीन भी दुनिया की आवाज के साथ होगा। चीन को डर है कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ किसी भी फैसले से उसका बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर असर न पड़े। चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जहां जैश के आतंकी खुलेआम घूमते हैं। सीपीईसी का न केवल पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से भी होकर गुजरता है, बल्कि खैबर पख्तूनवा के मनसेरा जिले में भी फैला है। खैबर पख्तूनवा में ही बालाकोट है, जहां के आतंकी कैंप पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी कैंपों को तबाह किया। सीपीईसी से जुड़ी परियोजनाओं में करीब 10,000 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में चीन का क्या दांव चलेगा, देखने की बात होगी। लेकिन पुलवामा के बाद चीन के रवैये से यही लग रहा है कि इस बार मसूद पर शायद ही कोई मेहरबानी होगी।